विगत दिनों एक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर उपजे विवाद को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट में राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वहीं विधायक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्राविधान किए गए हैं। वहीं अब राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो पार्टियां तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उनको ही ज्यादा पीड़ा हो रही है। सरकार के इस निर्णय का आम जनता एवं सभी व्यापारियों ने स्वागत योग्य निर्णय बताया है। पिछले दिनों जो एक गलतफहमी के कारण कुछ लोगों में आक्रोश था, उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो उत्तराखंड के धाम हैं उनसे मिलते जुलते नाम को लेकर के या धाम के नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह का न तो कोई ट्रस्ट बना सकती है, न किसी तरह के इस तरह का के मंदिर का निर्माण कर सकती है जिसको लेकर के इस तरह की कोई गलतफहमी पैदा हो। तो जो पेटेंट कानून है उसके अंतर्गत धामों के को जो है वो पेटेंट कर दिया जाएगा और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा।